नमस्कार। आज हम बनाएंगे धनिया पंजीरी। ये जन्माष्टमी के मौके पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसका फ्लेम मीडियम रख लेंगे। एक कटोरी मैंने लिया है खड़ा धनिया, इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है हमें। सबसे पहले धनिया अच्छे से भुन गया है, गैस बंद कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो इसे ठंडा होने देंगे और अब फिर से कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें हम एक छोटा चम्मच घी गर्म करने रख लेंगे। धनिया पंजीरी में ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिया है किशमिश और बादाम लिया है, काजू, ये मैंने लिए हैं मखाने, साथ ही मैंने लिया है चिरौंजी। तो पांच तरह के मैंने फ्रूट्स लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें से बादाम, काजू और जो मखाने हैं इसे हम हल्का सा घी में भून लेंगे। बहुत ही हल्का सा इसे हमें भूनना है। ड्राई फ्रूट भी हल्का सा भून लिया हमने, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। धनिया जो हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था उसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये हमने दरदरा पीस लिया है। अब उसी कढ़ाई में वापस हम घी गर्म करने रख लेंगे। अब इसमें जो हमने पीसा है धनिया उसे डाल लेंगे और हल्का सा इसे वापस भून लेंगे। धनिया अच्छे से भुन गया है, इसे वापस प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। धनिया भी ठंडा हो गया है और अब इसमें सभी चीज़ों को मिला लेंगे। किशमिश भी डाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच चीनी। चीनी आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना मिठास चाहिए आपको, और सभी को मिला लेंगे। हमारी धनिया पंजीरी बनके तैयार हो गया है। इसे हम जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, इसे सर्व कर लेते हैं। तुलसी पत्र भी डाल लेंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद तैयार है। तो जन्माष्टमी के मौके पर इसे बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।